कांगड़ा जिला मुख्यालय धर्मशाला के सदर थाने में कुछ दिनों पहले एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें तकरीबन 65 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। वहीं आज जिला कांगड़ा की एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि सदर थाना धर्मशाला में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें एक व्यक्ति के बैंक खाते से एक महीने में ही करीब 65 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था। एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्ति पपरोला के ही रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि इस रेड में पुलिस को 10 लैपटॉप, एक सीपीयू, एक हार्ड डिस्क, 6 मोबाइल फोन, 34 बैंक की पासबुक, 27 चेकबुक, 24 एटीएम कार्ड और 20 सिम कार्ड इन व्यक्तियों के घर से पुलिस ने बरामद किए हैं। इसी जांच को देखते हुए पुलिस ने और जानकारी इकट्ठा की और दूसरी रेड पंजाब के मोहाली में की गई, जिसमें 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि इस धोखाधड़ी मामले में सभी आरोपियों को जिला मुख्यालय धर्मशाला लाया गया है और इनको कोर्ट में पेश करके इनका पुलिस रिमांड लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी तक की जांच में कुछ और लोगों के नाम भी पुलिस के पास आए हैं, जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन पुलिस की टीम कार्य कर रही है और जल्द ही बाकी के आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनको पुलिस स्टेशन सदर में एक एफआईआर दर्ज हुआ था, जिसमें जो है एक सस्पिशियस ट्रांजेक्शन एक अकाउंट में रिपोर्ट हुई थी, जिसमें करीब एक ही महीने में करीब 65 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन जो हुआ था। जिस व्यक्ति का ये अकाउंट था, उनकी ट्रांजेक्शन को देख के उनकी जो सस्पिशन जो है पुलिस टीम को जाहिर हुआ और उसके तहत उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया गया। एसएचओ सुरेंद्र, इंस्पेक्टर सुरेंद्र जो एसएचओ धर्मशाला उनकी टीम के द्वारा, और इसमें फर्दर जो है पुलिस ने कार्य करते हुए डिफरेंट जगहों पर रेड्स करी, जिसमें बैजनाथ पपरोला में जो है एक रेड की गई थी, जिसमें हमारे पास 2 लोगों को अरेस्ट किया गया जो कि पपरोला के रहने वाले हैं। और इस रेड में हमारे पास जो है 10 लैपटॉप, एक सीपीयू, एक हार्ड डिस्क, 6 मोबाइल फ़ोन, 34 पासबुक्स, 27 चेकबुक, 24 एटीएम कार्ड और 20 सिम कार्ड जो है इनके घर से जो है बरामद हुए। इसी लीड को फर्दर डेवलप करते हुए जो टीम ने और इंफॉर्मेशन गैदर की और दूसरी रेड जो है मोहाली पंजाब में की गई, जिसमें कि 9 डिफरेंट जो आरोपी हैं उनको अरेस्ट किया गया है, जिसमें लोग जो हैं वो यूपी और छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। और इस रेड में पुलिस टीम को कामयाबी मिलते हुए वहाँ पर 3 लैपटॉप, 32 मोबाइल फ़ोन, 10 एटीएम कार्ड्स, 13 सिम कार्ड्स, एक जियो फाइबर जो नेट का कनेक्शन है, एक पासपोर्ट, 7 आधार कार्ड, 8 पैन कार्ड और 3 वोटर कार्ड जो हैं डिफरेंट लोगों के वहाँ पे सीजर में वहाँ पे पुलिस ने सीज किए। इन सभी आरोपियों को जो है धर्मशाला लाया गया और इनको कोर्ट में पेश करके इनका फर्दर पुलिस रिमांड हम ले रहे हैं। और इसके तहत अभी तक फिलहाल जो है इस पूरे केस में 13 लैपटॉप्स, 38 सिम कार्ड्स, 34 एटीएम कार्ड्स, 13 लैपटॉप्स, 38 मोबाइल फ़ोन्स, 34 एटीएम कार्ड्स और 33 सिम कार्ड्स जो हैं अभी तक पुलिस द्वारा सीज किए गए हैं। और ये जो मामला जो है ये ऑनलाइन बेटिंग और साइबर जो क्राइम है आजकल जिसका चलन बढ़ता जा रहा है, उससे संबंधित अभी तक पाया जा रहा है। इसमें पुलिस को अभी और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में कुछ लोगों के नामजद पुलिस की फाइल पे हैं, जो कि अभी तक पुलिस गिरफ्त से बाहर है। उनके लिए पुलिस की टीम जो है कार्य कर रही है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इसी केस में और फर्दर डेवलपमेंट्स भी होंगी। और ये जो जितने भी बैंक अकाउंट्स और डिफरेंट डिटेल्स जो आज मैंने आपसे शेयर करी है, इनको पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और इनकम के सोर्सेज और ये इनकम पैसा जो है किस तरह से रोटेशन इसका है और किस तरह से इन अकाउंट्स को यूज़ करके बनाया गया है, उस पर फर्दर पुलिस का इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा।